वेलकम गाइस, एसएससी आईक्यू यूट्यूब चैनल एसएससी आईक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है एक्टिव एस की अगली क्लास, ट्वेल्थ क्लास। इसके पहले हमने 11 क्लास टोटल पढ़ ली है, जिसमें मैंने इम्परेटिव सेंटेंस इस टाइम पढ़ा रहा हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ और पोर्शन हैं जो बाकी हैं और अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ हैं, तो आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, जो भी बंदे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और होमवर्क लास्ट में दिया जाएगा उसे ज़रूर करें। ओके, तो देखते हैं। तो भाई इम्परेटिव सेंटेंस का मैं आगे और बताता हूँ आपको कुछ और एग्जांपल। मैंने देखा होमवर्क में कई बच्चे अभी कंफ्यूज हैं, तो कंफ्यूज मत रहें। यहाँ पे देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस के लिए बताया था मैंने कि उसका फॉर्म क्या होता है। भाई लेट यूज़ करो आप, ठीक है, प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट यूज़ करो, ठीक है, लेट प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस बी यूज करो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करो। ये लेट प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे पोस्ट दिस लेटर, ठीक है, पोस्ट दिस लेटर। तो लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, ये लिखा जाएगा, ठीक है, पोस्ट दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। प्ले क्रिकेट, तो लेट क्रिकेट बी प्लेड, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से ये एग्जांपल होते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड फॉर्म जरूर लगानी है, भूलना नहीं है आपको। मैंने देखा है होमवर्क में कई लोग थर्ड फॉर्म लगाना भूल गए हैं, तो वैसे मत भूलिए, नहीं तो फिर आपके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकता है। अभी तो मैंने इसका अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस बताया, मैं कुछ निगेटिव सेंटेंस भी बता देता हूँ जिसमें आता नहीं है डोंट, डोंट टच द नेक्ड वायर। मान लीजिए इस तरह का है, डोंट टच द नेक्ड वायर। तो इसका जब हम बनाएंगे तो सिंपली क्या करेंगे, लेट यूज करेंगे ही आपका, लेट द नेक्ड वायर, लेट द नेक्ड वायर, लेट द नेक्ड वायर नॉट बी यूज करेंगे, ठीक है, यही डिफरेंस उसमें, नॉट बी टच, ठीक। डोंट प्लक द मैंगोज, तो द लेट द मैंगोज नॉट बी प्लक्ड, नॉट बी प्लक्ड, ये हो गया आपका। तो इस तरह से ये हमारा इम्परेटिव का है। इसके बाद मैं बताता हूँ कुछ आपको, जैसे कभी कभी ये होता है कि हम किसी को सलाह देते हैं, जैसे कि उसकी मदद करो, उसके साथ जाओ, उसकी सेवा करो, अपने देश को प्रेम करो, इस तरह तो के कुछ सेंटेंस। और सेंटेंस इम्परेटिव बताऊंगा मैं, कि जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें मतलब कोई काम नहीं किया जाता, कुछ करने को बोला जा नहीं जाता, लेकिन आपको एक तरह से एक प्रकार की सलाह दी जाती है। तो उस केस में क्या होता है, जैसे आ जाए आपका लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, तो ये हमारा एक कर्तव्य है, उस तरह से इसका एक्सप्रेशन आता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका बनाने के लिए हम करेंगे यू आर योर कंट्री, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, योर कंट्री शुड बी लव्ड, शुड बी लव्ड, मतलब यहाँ पर क्या शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसका अगर हिंदी एक्सप्रेशन देखने तो ये होएगा कि अपने देश को प्रेम करना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, जैसे हेल्प द, हेल्प द हेल्पलेस, ठीक है, तो इसका भी कर सकते हैं द हेल्पलेस शुड बी
हेल्प्ड, ठीक है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ऐसे आ जाए तो उस केस में भी आपको क्या करना है, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। तो इतने एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या एक्सप्रेशन है कि भाई किस केस में हम शुड बी का यूज़ कर रहे हैं और योर एल्डर सब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। ये तो वही इस तरह की सेंटेंस के पास कभी कभी ऐसा सेंटेंस आता है, जैसे मान लीजिए बोलते हैं सिट डाउन, कभी कभी ऐसा सेंटेंस भी आता है, बोलते हैं सिट डाउन, ठीक है, मतलब यहाँ क्या किया जा रहा है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, तो उसमें क्या करना है आपको, सिंपली आपको जो भी जिस तरह का एक्सप्रेशन आए उसको यहाँ पर रखते हुए लिखना है, ठीक है। यू, अब यहाँ क्या सिट डाउन मतलब ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, यू आर ऑर्डर्ड, क्योंकि सिट डाउन बोल रहा है तो ऑर्डर दे रहा है टीचर, तो वहाँ पर उस केस में क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, ठीक है। अब कभी आ गया ये वर्क हार्ड, वर्क हार्ड क्या है भाई, किसी को वर्क हार्ड करने के लिए बोल रहे तो आप एक एडवाइस दे रहे हैं, उसे ऑर्डर नहीं दे रहे कि भाई परिश्रम करो, तो वहाँ पर एक एडवाइस दी जा रही है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, देखिएगा समझिएगा इस तरह के जो सेंटेंस है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस है ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है, तभी आपको एक्टिव पैसिव में महारत हासिल होगी। इसी के सीक्वेंस में बात करें तो कभी कभी ऐसा सेंटेंस भी आपने देखा होगा कि जहाँ पे प्लीज वगैरह यूज की जाती है, रिक्वेस्ट किया जाता है, ऐसे केस भी होते हैं, जैसे प्लीज प्लीज सिट डाउन, ऐसे भी आ सकता है। मान लीजिए आपसे छोटा रहता है तो ऑर्डर देते हैं, लेकिन अगर आपके इक्विवेलेंट होता है या आपसे सीनियर है तो आप उसको क्या करेंगे, बोलेंगे प्लीज़ सिट डाउन, मतलब आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे अपने सीनियर को कि प्लीज़ कृपया करके बैठ जाइए। तो इस केस के लिए भी आपको कैसे पैसिव बनाना है वो देखें, आप यहाँ पे देखिए प्लीज़ सिट डाउन लिखा है, मतलब यहाँ पे आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ का जो फॉर्म हो गया वो प्लीज़ जो कन्वर्ट हो गया वो रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट हो गया, टू सिट डाउन ये हो गया, यू आर हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, ठीक है। तो इस तरह से भी जो बहुत सारे सेंटेंस हैं उसको हम इसमें यूज में लेते हैं, ऐसे आ जाता है कभी कभी बोलते हैं टेक योर सीट प्लीज़, ऐसे भी बोलते हैं, कहीं आप भीड़ भाड़ में जाएंगे, कहीं मीटिंग में जाएंगे या कहीं ऐसी जगह जाएंगे सार्वजनिक स्थल, तो वहाँ पर देखिए फिर आपका ये कैसे बनाएंगे इसका, फिर यहाँ पे भी रिक्वेस्ट किया जाता है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, ये आपको ध्यान रखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, मतलब इस तरह का पैसिव कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको पता नहीं है तो आप कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये फ़र्क जानना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे लेट लगाना है, कहाँ पे लेट बी लगाना है, कहाँ पे ये इस तरह का लगाना है, तो ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आ पाएगा, समझ में आ पाएगा, या आप फेलिंग एक्सप्रेशन सेंटेंस के समझें और उसके बाद आप एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे आ गया प्लीज़ गिव मी अ बुक, तो यहाँ भी रिक्वेस्ट की जा रही है, तो रिक्वेस्ट के लिए प्लीज़ यूज़ किया जाता है, काइंडली भी यूज़ किया जाता है, तो वो आपको पहचान है। तो यहाँ पे देखिए योर यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव अ बुक,
तो यहाँ पे टू इन्फिनिटिव का बड़ा रोल है, ये टू के साथ पे इसको जोड़ दे रहा है दोनों सेंटेंसों को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका पैसिव बनाना है, ठीक है। और भी कुछ सेंटेंसेस से मैं बताने वाला हूँ। कभी कभी आ जाता है कि हम परमिशन मांगते हैं किसी से, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, तो उस फॉर्म में कैसे पैसिव बनाएंगे वो मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो लेट मी डू दिस वर्क, मुझे इस काम को करने दो, इस तरह का ये भाव। तो इस तरह के सेंटेंसेस में क्या करेंगे हम, सिंपल सा रूल है जो आपका रूल ऑलरेडी आप फॉलो कर रहे हैं वही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेट दिस वर्क, मैंने बताया था कि ये हमेशा पैसिव, ये जो ऑब्जेक्ट है पैसिव ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन के इधर लेट के साथ में आएगा। लेट दिस वर्क बी डन बाई मी, ठीक है। लेट दिस वर्क बी डन बाई मी, ये हो गया। अभी दूसरा एग्जाम्पल, लेट अस डिस्कस द मैटर, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। यहाँ पे बाई अस नहीं लिखेगा, क्योंकि जैसे बाई जो अस है या वी है, ये एक तरह से हम एक सराउंडिंग, मतलब हमको भी कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से अगर एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, तो वहाँ पर एक सिस्टम हो, एक शिष्टाचार हो, तो जहाँ पे भी वी यूज़ करते हैं वहाँ एक पीपल की तरह वो वर्क करता है, एक मतलब आपको एक कम्युनिटी की तरह वर्क करता है। जैसे हम बाई पीपल नहीं लिखते हैं, बाई समवन नहीं लिखते हैं, उसी तरह भी हम बाई अस भी नहीं लिखते हैं, जैसे इसमें नहीं लिख रहे हैं। ऐसे आ गया वी मस्ट हैव रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ये मैंने देखा कई लोगों ने गलत कर दिया, तो ये ऐसे गलत नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको करने के लिए क्या होता है, आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड। ये मैंने होमवर्क में दिया था, मैंने देखा बाई अस लिखा है कई लोगों ने, बाई अस नहीं लिखना है, ये एकदम गलत है, ठीक है। आपको बाई अस का यूज नहीं करना है, तो ध्यान दें आप इसमें। तो ये हो गया, अभी तो ये आपके एग्जांपल हुए कुछ। अब मैं कुछ इसी तरह का एक एग्जांपल बताता हूँ, जिसमें क्या होता है, हम कभी किसी के साथ करने साथ की बात करते हैं कि चलो खेलते हैं, चलो गाते हैं। जैसे लेट अस सिंग, लेट अस सिंग, मतलब वो बुला रहा है कई लोगों को, सजेशन कर रहा है कि भाई आओ चलो खेलते हैं, प्रस्ताव रख रहा है वो अपना। तो लेट अस सिंग हो गया, लेट अस प्ले हो गया, लेट अस डू दिस वर्क हो गया, इस तरह के जो भी हैं जिसमें आप एक भीड़ के साथ में रहते हैं, तो वहाँ पे आप प्रस्ताव रखते हैं, तो वहाँ पे सजेस्ट किया जाता है। तो ये सजेशन के केस का जो पैसिव है वो मैं बता, देखिए सेंटेंस मैंने ऑलरेडी लिख दिया है बोर्ड पे, लेट अस प्ले टुगेदर। जैसे मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, आप किसी को सजेस्ट करते हैं, प्रस्ताव देते हैं, चलो खेलते हैं, चलो गाते हैं, चलो नाचते हैं, मतलब लेट अस करके रहता है। तो यहाँ पे जब ये रहता है, तो यहाँ पे एक आप सजेशन करते हो, तो ये इसका जब पैसिव बनाते हैं, तो इट इज़ सजेस्टेड, ठीक है, इट इज़ सजेस्टेड करके ऐड कर लेते हैं, इट इज़ सजेस्टेड दैट। अब ये जो अस है ना, इसको हम कन्वर्ट करते हैं वी में, क्योंकि ये कई लोगों का बोध करा रहा है कि ये एज ए सब्जेक्ट वर्क करता है। वी शुड प्ले, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, ठीक है, ये हो गया। मतलब इसमें देख लीजिए सिर्फ इट इज सजेस्टेड का बड़ा रोल है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसी को हम ऐड कर रहे हैं इसमें। सेम इसको भी करेंगे, कैसे करेंगे भाई, इट इज सजेस्टेड, लिखिए यहाँ पे भी, इट इज सजेस्टेड दैट, अब यहाँ अस का सब्जेक्ट लग जाएगा वी शुड, हमें वी के साथ हमेशा शुड लगाते हैं, तो वी शुड प्ले टुगेदर, ठीक है। लेट अस जंप, इस तरह का भी हो तो यहाँ पे सजेस्ट करके, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड जंप, वी शुड जंप,
तो आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या मैं बताना चाहता था और किस तरह का इसमें एक्सप्रेशन था। और अभी इम्परेटिव सेंटेंस पे और भी सेंटेंसेस हैं जो अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशन देते हैं, तो ये आप बहुत ही डीपली आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे जैसे मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ ना, तो उनको सेपरेट आप लिखते जाओ, उसका फॉर्म एग्जाम्पल स्ट्रक्चर लिखते जाओ और प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अब मैं आपको होमवर्क दूंगा कि किस तरह के होमवर्क, इन सभी पे बेस होमवर्क दूंगा, जिसे आप करके प्रैक्टिस करके आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसे करना है। तो गाइज होमवर्क मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है, बोर्ड पे आपको छः होमवर्क दिए गए हैं, मतलब छः पैसिव बनाने हैं आपको। तो पहला है प्लीज़ स्टॉप द कार, पहला है जो यहाँ पर प्लीज़ स्टॉप द कार, और दूसरा है ब्रिंग द ग्लास, तीसरा है लेट हर सिंग अ सॉन्ग, चौथा है लेट अस गो टू मार्केट, लव योर नेबर्स, डोंट इंसल्ट द पुअर। बहुत ही बारीकियाँ हैं, बहुत ही कम डिफरेंसेस हैं, आपको बस सेंटेंस को समझना पड़ेगा। उसके लिए जो मैंने क्लास में बताया है वो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, तभी ये आपको डिफरेंस समझ में आएंगे। मैंने सारे तरह के एग्जांपल को यहाँ पर होमवर्क के लिए दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक में। इम्परेटिव सेंटेंस के जो बाकी पार्ट्स हैं वो बताऊँगा मैं, और फिर आगे पैसिव को हम ख़त्म करेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय।